नमस्कार दोस्तों, जिस क्रांति को भारत, अमेरिका और पूरे यूरोप ने पिछले 3 सालों से शुरुआत किया और भयंकर रूप आज दिया था, आखिरकार वो क्रांति अब कामयाब हो चुका है। आखिरकार ताइवान को दुनिया ने मान्यता दे दिया है, 110 देशों ने मोहर लगा दिया है और भारत अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। और दोस्तों, इस पे चीन अब क्या रिएक्शन देगा, दुनिया यही सोच रहा है, क्योंकि चीन हल्के फलके बातें बोलता था कि आग से खेल रहा है, अब की बात ताइवान को ओपनली एक आजाद मुल्क का मोहर लगा कर रही उस पर करने के बाद दोस्तों दुनिया को लग रहा है कि चीन अब युद्ध ना शुरू कर। दोस्तों बहुत बड़ी जीत है, कह सकते हैं कि अमेरिका दोस्तों आड़िया पार करने पे उतारू है। सिंपल से बात कहें तो जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बना था उस समय कई सारे लोग बोले थे, अरे भाई ये बुड्ढा तो पगलाया हुआ है, ये कुछ नहीं करेगा, इससे अच्छा डोनाल्ड ट्रंप है। दोस्तों कई बार क्या होता है, जिसे आप मौजूद मानते हैं ना, जिसे आप ताकतवर मानते हैं, वही बराबर फैसला नहीं ले पाता है। कई बार जो कमजोर है ना, कमजोर लोग अपना छवि बनाने के लिए कुछ भी कर देता है, कह सकते हैं कि आड़िया पार कर देता है। दोस्तों बाइडन ने यही किया है, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को 1970 से पहले बोलता था, अरे भाई ये तो गुड़िया है, गुड़िया ये क्या देश चलाएगी। दोस्तों इंदिरा गांधी को भारत में खूब आलोचना हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, 1971 में वही गुड़िया दुर्गा का रूप धारण किया, क्या हुआ, बांग्लादेश को अलग देश बना दिया। कह सकते हैं कि दुनिया सलाम ठोका, बोला कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इंदिरा गांधी आज भी भारत के जो आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री में बना दोस्तों टॉप 3 माता, दोस्तों बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं कि इसी प्रकार से बाइडन ने आया ना, जिस प्रकार से काम किया है ना, दुनिया हैरान हो गया है। और इसी कारनामे से चाइना, पाकिस्तान, तुर्की सब सहन रह गया। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बता सकता हुआ क्या है। और दोस्तों यहाँ पे बाइडन और भारत ने तुर्की को भी बर्बाद कर दिया। तुर्की दोस्तों अब चपट हो चुका है, तुर्की अब रोने पे उतारू हो चुका है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, जब जो बाइडन सत्ता में आया, उन्होंने सबसे पहले घोषणा किया और ऐलान किया कि पहला मेरा काम यह होगा कि दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी देश है सबको एक करना है। डेमोक्रेसी देश के साथ मीटिंग करेंगे, हड़ताल करेंगे और उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे आखिरकार जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है उसके साथ क्या करना है, उसे किस प्रकार निपटना है। दोस्तों बाइडन का यह सपना था कि अमेरिका का विदेश नीति का पहला लक्ष्य होगा दुनिया में डेमोक्रेसी बनाना। दोस्तों उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है जो बार बार उसमें बदलाव चाहिए, जिस प्रकार से प्रकृति बदलाव मांगता है, यानी कि प्रकृति में दोस्तों क्या कहा गया है, जब तक बदलाव नहीं होता तो प्रकृति चल नहीं सकता। इसी प्रकार दोस्तों डेमोक्रेसी को भी बदलाव जरूरी है, यानी कि एक बार डेमोक्रेसी कहीं पे आ गया, लोकतंत्र आ गया और वैसे ही चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय समय पे उसमें बदलाव जरूरी है, कहाँ पे क्या समस्या है। दोस्तों इसीलिए बाइडन ने घोषणा किया था कि हम उस पर बहुत कड़ा और बड़ा एक्शन लेंगे। और दोस्तों वो समय अब आ चुका है। जो बाइडन ने घोषणा किया है कि इस साल दुनिया का 110 देश जो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी देश है, उसको बुला के अमेरिका में एक भव्य बहुत बड़ा मीटिंग हुआ और यहाँ पर चर्चा होगा आखिरकार चीन को कैसे मिटाया जाए। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, इस मीटिंग में पता है केवल देश को बुलाया गया है, यानी कि जो एक देश है ना उसी को बुलाया गया है, यहाँ पे कोई भी संगठन या फिर दोस्तों कोई भी ग्रुप नहीं आया है, खासतौर पर ना तो यूरोपियन यूनियन का कोई नेता आया है। सिंपल सी बात कहें तो अलग अलग देश, फ्रांस को अलग, जर्मनी को अलग, यानी कि यूरोप के तमाम देश को अलग अलग नेता दिया, जो भी दुनिया में देश है उसको नेता दिया है, भारत को नेता दिया है। दोस्तों उसी में ताइवान को भी न्योता दिया है, कह सकते हैं कि दुनिया हमें हर कम मत दिया, आखिरकार ये अमेरिका कर क्या दिया। दोस्तों ताइवान तो कोई देश नहीं है, अमेरिका का मानता है, अमेरिका मानता है कि हम वन चाइना पुलिस मानते हैं, भारत भी यही मानता है हम वन चाइना पुलिस मानते हैं। तो जब आप वन चाइना पॉलिसी मानते हैं तो आप ताइवान को नेता कैसे दिए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक देश का इन्वाइट करना वो ताइवान को, और बड़ी बात तो यह दोस्तों इस मीटिंग में चीन को भगा दिया, चीन को न्योता ही नहीं भेजा। दोस्तों इस मीटिंग में अमेरिका ने ना तो चीन को नेता दिया है, न ही रशिया को दिया है और न ही तुर्की को। दोस्तों तुर्की का भी घमंड खत्म कर दे, कह सकते हैं कि अमेरिका ने दोस्तों बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। सिंपल से बात करें तो अमेरिका जो कर रहा है ना, ये हमारे लिए फायदेमंद, दोस्तों भारत के लिए बाइडन बहुत बड़ा फायदेमंद है। हम लोग तुर्की को कैसे निपटते, सिंपल से बात करें तो तुर्की खास तौर पर उसको निपटने के लिए हम लोग को पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है, ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग को चाइना पाकिस्तान से ध्यान हटाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बाइडन तुर्की का पर कतर रहा है, सिंपल सी बात करें बाइडन आते ही क्या क्या पता है, तुर्की को FATF में डलवा दिया। दोस्तों भारत, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका मिलकर बड़ा बड़ा गेम खेल रहा है, भारत, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल का गेम था तुर्की को FATF में रखो, और दोस्तों वो जा चुका है। भारत का प्लान था तुर्की बर्बाद हो, दोस्तों उसका अर्थव्यवस्था आज चपट हो चुका है, उसका जो दोस्तों करेंसी है दोस्तों
तीन से लेकर चार गुना नीचे ढह चुका है। अगर इसी रास्ता से चलता है तो तुर्की केवल तीन साल में पाकिस्तान से भी अधिक गरीब और भिखारी बन जाएगा, कटोरा छाप बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बाइडन भारत के लिए हर वो काम कर रहा है जो भारत के हित में। आप जानते हैं हाल ही में भारत ने रशिया से S-400 लिया। बाइडन ने दोस्तों कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। कह सकते हैं कि भारत के लिए दोस्तों बाइडन एक बहुत बड़ा विकल्प है। बहुत सारे लोग बोलेंगे खासतौर पर ट्रंप, अच्छा दोस्तों ट्रंप भी सही था, लेकिन बाइडन भी दोस्तों बड़े बड़े फैसला ले रहा है। ट्रंप आज तक न तो कभी तुर्की पे कुछ बड़ा एक्शन लिया नहीं रशिया पे, लेकिन बाइडन चीन को का दिखा दिया है और वो पहली ताइवान को न्योता दिया है, वो भी डेमोक्रेसी देश में दोस्तों से बुला के ये साफ संदेश दे दिया है कि अब हम ताइवान को एक अलग देश का न्योता देने वाले हैं। अब आप बोलेंगे तो इससे क्या हो, केवल न्योता तो दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ताइवान कभी भी ओपनली कोई न्योता नहीं देता क्योंकि वो एक देश है ही नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है अब शुरुआत हो चुका है और देखेंगे अब ये डेमोक्रेसी देश का दोस्तों मीटिंग हर साल होगा, ठीक है। हर साल ये डेमोक्रेसी देश का मीटिंग होगा और जो भी दुनिया के डेमोक्रेसी देश है 110 से अधिक देश है सब दोस्तों एक साथ मिलेंगे, नेता आपस में बातचीत करेंगे और विचार करेंगे और देखेंगे दोस्तों ऐसा होते होते देखेंगे 2022 से लेकर 24-25 तक दोस्तों देखेंगे क्वाड सहित दुनिया के तमाम डेमोक्रेसी देश देखेंगे तो पहले ताइवान को एक मान्यता दे, बोले कि ताइवान एक अलग देश ही है। दोस्तों चीन के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे सदमा होगा। आप बोलेंगे तो भाई ये सब बाइडन कर रहा है, हमें यकीन नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चाइना और अमेरिका में मीटिंग हुआ था, ये मीटिंग बुरी तरह से असफल हुआ था और यहाँ पे चीन ने बाइडन को दोस्तों बौना बनाने का साबित किया था और बाइडन कहा था कि अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों बाइडन ने ओपनली कहा था अब हम तिब्बत का मुद्दा उठाएंगे, शिजियांग का, हांगकॉन्ग का और ताइवान का अलग देश बना के छोड़ेंगे। दोस्तों जो बाइडन चाहे कुछ भी हो, बेशक दोस्तों वो कश्मीर मुद्दे पे पहले बोल चुका है, ठीक है, उसका पार्टी बोल चुका है, लेकिन दोस्तों आज बाइडन जो भी कर रहा है ना ये हम लोगों के हित में है। हम लोग चाहते हैं तुर्की बर्बाद हो, बाइडन दोस्तों उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है क्योंकि बाइडन बोल चुका है कि हमारा दो ही लक्ष्य है, वो है पहले तो तुर्की को सबक सिखाना और दूसरा सऊदी को सबक सिखाना। दोस्तों ये हम लोग के लिए हित में है, दोनों को खत्म करें अच्छा है, ठीक है। और तीसरा आप जानते हैं अमेरिका का एटोमेटिक दुश्मन कौन है, चाइना तो है ही। दोस्तों ये भी सही है, इसीलिए बोले ना हल्का फल्का अगर अमेरिका कुछ बोलता भी है ना, बाइडन कुछ बोलता भी है ना, उसे बुरा नहीं माना चाहिए क्योंकि दोस्तों हम लोग जब S-400 लिए अभी तक अमेरिका कोई प्रतिक्रिया आया ही नहीं है। कह सकते हैं कि भारत का रणनीति आज सही दिशा में जा रहा है और यह तय हो चुका है अमेरिका में चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे डेमोक्रेट आ जाए या फिर रिपब्लिकन आ जाए, अब भारत का ही सिक्का चलेगा। भारत अब कृष्ण भगवान के तरह दोस्तों काम कर रहा है, ठीक है, अब महाभारत खत्म करके छोड़ेगा और इस युद्ध में चीन का विनाश होकर रहेगा। दोस्तों ताइवान को अब एक अलग रूप में दोस्तों देखेंगे, भविष्य में उसे मान्यता मिलेगा। बाइडन सप्ताह में आते ही कहा था कि हम ताइवान को दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्था में शामिल करवाएंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर WHO हो या फिर कोई भी जगह हो, हर जगह से हम शामिल करवाएंगे, ताइवान को अलग थलग नहीं पड़ने देंगे। दोस्तों ये हम लोग का सपना था, आज पूरा भी हो रहा है और अमेरिका के अलावा भारत भी अपना रास्ता साफ कर चुका है, वो ताइवान को एक देश मानेगा। दोस्तों हाल ही में भारत ने क्या कहा है, ताइवान से हम सेमी कंडक्टर के लिए एक बहुत बड़ा डील करेंगे, ताइवान भारत में कम से कम 55,000 करोड़ रुपया निवेश करेगा। दोस्तों अगर भारत सरकार और ताइवान सरकार में निवेश होता है तो इसका साफ मतलब हुआ कि हम लोगों ने ताइवान को एक देश माना, इसीलिए दो देशों के बीच में निवेश होगा। दोस्तों ये भी भारत के लिए बहुत बड़ा चाल है, कह सकते हैं कि क्वाड देश दोस्तों आर्या पार करने के लिए हुआ है। हाल ही में जापान ने कहा था कि ताइवान को अलग देश हम मानेंगे और ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो हम भी चीन पर हमला कर देंगे। दोस्तों माहौल तो बन ही गया, ठीक है, 2025 से देखेंगे एक अलग देश भी बन जाएगा।